जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों दो मोबाइल हमारे पास में रिसेंटली लॉन्च हुआ रियलमी C55 डिवाइस, जिसमें हीलियो G88 प्रोसेसर प्रोवाइड किया है जो कि 12 nm प्रोसेसर है एंड साथ ही में दोस्तों 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रीमियम डिज़ाइन मिल जाता है। एंड राइट साइड में हमारे पास Realme 8 4G डिवाइस है जो कि काफ़ी बेहतर डिवाइस है और इस डिवाइस में आपको हीलियो G95 प्रोसेसर मिलता है। इसमें भी 64 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया गया है और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन मिलती है। डिस्प्ले में बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ पे। फ्रंट में C55 में 6.72 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले मिलता है जो कि एक 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, जबकि Realme 8 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि एक 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। दोनों ही मोबाइल में 5000mAh की बैटरी मिलती है, C55 में 33W और Realme 8 में 30W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। इस वीडियो में दोनों ही मोबाइल के बीच में हम डीप स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बूटिंग टेस्ट करने वाले। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि C55 में लेटेस्ट अपडेट Realme UI 4.0 Android 13 मिलता है, जबकि Realme 8 में Realme UI 3.0 Android 12 का अपडेट मिलता है। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा मोबाइल बूट होता है। दोनों ही मोबाइल को हमने सेम टाइमिंग पे बूट करने के लिए रखा है। दोनों में ही यहाँ पे Realme के लोगो आ चुके हैं, बट यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में रखा C55 डिवाइस सबसे पहले यहाँ पे बूट हो चुका है। इस बूटिंग टेस्ट में ये विनर बनता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हम ऐप डाउनलोडिंग टेस्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हो दोनों ही मोबाइल को हमने सेम वाईफाई Realme X7 से कनेक्ट करके रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक गेम डाउनलोड करेंगे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 MB का है। देखते हैं कि पहले कौन सा मोबाइल इसे डाउनलोड करता है। थोड़ा सा हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि फटाफट से हमें रिजल्ट देखने को मिले। यहाँ पे आप देख सकते हो C55 जिसमें G88 प्रोसेसर है, ये थोड़ा सा आगे मिलता है, पढ़ रहा है और प्ले बटन इसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। तो यहाँ Realme C55 अगेन से विनर हो जाता है। अगला टेस्ट दोस्तों हम यहाँ पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड टेस्ट का करने वाले हैं। देखते हैं कि किस मोबाइल में हमें डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा मिलती है। वैसे एक चीज़ आपको बता दूं कि 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन दोनों ही मोबाइल में नहीं मिलता है। Realme 8 में बहुत पहले से हम वेट कर रहे हैं बट नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोडिंग स्पीड C55 की 16 MBPS है, यहाँ पे 4 MBPS ही आपको मिलती है और अपलोडिंग स्पीड भी अप्रॉक्सीमेटली 1 MBPS है। तो इस डाउनलोडिंग अपलोडिंग टेस्ट में अगेन से C55 विनर बनता है। अगला टेस्ट दोस्तों यहाँ पे हम CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट में मिनिमम 5 मिनट लगते हैं। थोड़ा सा वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा सा कट करेंगे जिससे कि हमें फटाफट से रिजल्ट मिले। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रगल कितना करना पड़ता है मल्टीटास्किंग गेमिंग में, ये हमें इस टेस्ट से पता चलता है। तो भैया यहाँ पे 12 nm वर्सेस 12 nm है G88 G99। यहाँ पे देख सकते हो Realme 8 में आपको जो ग्रीन लाइन है वो आपको थोड़ी ऊपर में दिख रही होगी और यहाँ पे जो स्कोर है 84% वर्सेस 90%। तो यहाँ CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में Realme 8 का परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा, इसलिए यहाँ पे जो विनर है Realme 8 बन जाता है। अगला टेस्ट दोस्तों यहाँ पे ऐप ओपनिंग टेस्ट होने वाला है, जिसमें हमने कुछ ऐप ऑनलाइन ऑफलाइन गेम को सिलेक्ट किया है, कुछ डेली जो इसकी ऐप भी शामिल है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम BGMI PUBG को ओपन करके देख लेते हैं। काफ़ी हैवी गेम है एंड देखते हैं दोनों ही मोबाइल में दोस्तों जो गेम है वो गेम स्पेस के अंदर ही है। देखते हैं सबसे पहले कौन सा मोबाइल इसे ओपन कर लेता है। यहाँ पे दोस्तों Realme 8 अब जाग चुका है, इसने सबसे पहले इसे ओपन कर लिया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम यहाँ पे AnZu Benchmark Score ऐप को ओपन करके देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो Realme 8 ने पहले ओपन किया और इसका AnZu Benchmark स्कोर अबव 3 लाख मिलता है और अबव 2 लाख Realme C55 का AnZu Benchmark स्कोर। यहाँ पे अगर हम टेम्पल रन गेम को ओपन करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मोबाइल इसे ओपन कर लेता है। बस दोस्तों AnZu Benchmark स्कोर आपको Realme 8 का अच्छा मिलेगा, गेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पे बेटर कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों अगर टेम्पल रन को देखें तो मोस्टली दोनों ही मोबाइल ने इसे सेम टाइमिंग पे ओपन किया है। कैंडी क्रश गेम जिसे हम ऑनलाइन खेलते हैं, ऑफलाइन भी यहाँ पे आप इसे खेल सकते हो। देखते हैं कि कौन सा मोबाइल इसे फास्टली ओपन करता है। यहाँ पर दोस्तों Realme C55 ने इसे पहले ओपन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कृष्णा गेम को ओपन करते हैं, देखते हैं कि कौन सा मोबाइल सबसे फास्टली इसे ओपन कर पाता है। थोड़ा सा ये हैवी गेम है, ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हो Realme 8 ने अपना खाता अगेन से खोल लिया है, थोड़ा सा पीछे यहाँ पे C55 रहा है। ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टाइमिंग का यहाँ पे डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम डिफरेंस नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे अब अगर हम देखें नेक्स्ट गेम, अगर हमने यहाँ पे लूडो किंग को हमको ओपन करके रखा है तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मोबाइल सबसे फास्टली इसे ओपन करता है। Realme 8 ने इसे अगेन से ओपन कर दिया है।
नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हम यूट्यूब ऐप को ओपन करके देख लेते हैं जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगेन से यहाँ पे रियलमी 8 ने पहले ओपन किया है, तो ऐप ओपनिंग टेस्ट में मोस्टली जो है रियलमी 8 ही बाजी मार रहा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हम क्रोम ऐप को ओपन करके देख लेते हैं जिसे डेली यूजर्स में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रियलमी 8 ने अगेन से इसे पहले ओपन किया है। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप फ्लिपकार्ट को अगर हम ओपन करके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन से रियलमी 8 ने इसे पहले ओपन किया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे अमेजन ऐप को ओपन करके देख लेते हैं जो कि अगेन से एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, तो यहाँ पे अगेन से रियलमी 8 ने अपना खाता खोला है। नेक्स्ट दोस्तों हम यहां पर रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं, अगेन से रीओपन ऐप को करके देख लेते हैं किसका रैम मैनेजमेंट बेस्ट है। तो ये था दोस्तों दोनों ही मोबाइल के बीच में फुल स्पीड टेस्ट G88 और G95। यहाँ पर दोस्तों जो टेस्ट है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों भी प्रोसेसर में। और यहाँ पे शुरू के जो तीन टेस्ट थे स्टार्टिंग के, यहाँ पे हमने बूटिंग टेस्ट किया, ऐप डाउनलोडिंग टेस्ट किया, अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड टेस्ट किया, उसमें C55 आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा नया मोबाइल है और OS ऑप्टिमाइजेशन भी थोड़ा ठीक यहाँ पे मिलता है। एंड रियलमी 8 थोड़ा सा यहाँ पे ओल्ड डिवाइस है बट काफ़ी कैपेबल डिवाइस है। एंड Helio G95 ओल्ड प्रोसेसर होने के बाद भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है और अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे रियलमी C55 में हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। रियलमी 8 में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले का बेनिफिट मिल जाता है। बात करें प्राइसिंग की तो रियलमी C55 का जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वो 11K का है, इसमें 500 का डिस्काउंट भी मिल जाता है। और रियलमी 8 जो है C55 से आपको 2-3 हज़ार रुपये कॉस्टली पड़ेगा। इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे C55 जो है फ़ायदे का सौदा हो सकता है। ये नई डिवाइस है और रियलमी 8 थोड़ी ओल्ड डिवाइस हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों दोनों ही डिवाइस के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जैन बोलते रहिए, वंदे मातरम।